अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काइंडली जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शॉर्मा रेसिपी, जिसके लिए हमने लिया है शॉर्मा ब्रेड और हमारे पास है चिकन, जो कि हमने गार्लिक में विनीगर और टिक्का मसाला में हमने इसको मैरिनेट कर लिया था और हमने स्टीम करके इसको श्रेड कर लिया है। और ये हमारे पास है सैलड। स्पाइसेस में हमारे पास हैं रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये हमारे पास है गार्लिक पेस्ट और मायोनीज। हम इन तमाम स्पाइसेस को गार्लिक में मिक्स करेंगे। और हम ब्लैक और हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर को मायोनीज में मिक्स करेंगे। और हम कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई अपनी ब्रेड को। हमने थोड़ा ग्रीस किया है पैन को और हमने इसमें ब्रेड को रख दिया है और हम इसे फ्राई कर रहे हैं। हम इसे लो हीट पे फ्राई करेंगे। हम इसे थोड़ा गोल्डन करेंगे। और हमारी ब्रेड फ्राई हो रही है। एक तरफ से बहुत अच्छा कलर आ गया है, इसी तरह हम दूसरी साइड से भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमारी ब्रेड्स फ्राई हो गई हैं और हमने सॉस भी बना लिया है। ये हमारे पास है मायोनीज़, इसमें हमने ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिक्स किया है। और ये हमारे पास गार्लिक पेस्ट है, जिसमें हमने तमाम स्पाइसेस मिक्स किए हैं। और अब हम शॉर्मा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने गार्लिक पेस्ट लगा दिया है इस पे, जिसको हम शॉर्मा पे भी कहते हैं, शॉर्मा सॉस। हमें स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम इसे ज़्यादा स्पाइस बना रहे हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। हमने चिकन डाल दिया है। और अब हम इसमें थोड़ा मायोनीज लगा देंगे। और हमने इसमें रख दिया है सैलड। इसमें हमने फिर थोड़ा शॉर्मा सॉस डाल दिया और मायोनीज डाल दिया। हमने ज़्यादा सी मायोनीज इसमें डाली है। और अब हम इसे कर देंगे फोल्ड रैपर शीट में। इसे फोल्ड कर रहे हैं। इसी तरह हम दूसरा शॉर्मा भी बना लेंगे। हमने शॉर्मा सॉस ब्रेड पर लगा दिया और अब हम इसमें रख देंगे चिकन को। हम इसमें चिकन रख रहे हैं और हमें चिकन डाल दिया इसमें। और अब हम इस पर लगा देंगे मायोनीज। और अब हम इस पर सैलड डाल रहे हैं। हमने सैलड डाल दिया इस पर और अब हम इस पर फिर मायोनीज लगाएंगे।
और हम इसे कर देंगे फोल्ड। हमने रैपर शीट में इसको फोल्ड कर दिया और अब हम इसे कर देंगे कट। हमारा शॉर्मा बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।